नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लाल कपड़े से टोटका कैसे करते हैं। इस टोटके के माध्यम से आपको फ़ायदा होगा, तो टोटका करेंगे कैसे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। इस वीडियो में लाल कपड़ा से 5 टोटका बताया गया है, जो टोटका अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। परंतु उससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, अगर आपके जीवन में पैसों की परेशानी है, पैसों के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मानसिक रूप से आप ज़्यादा स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक तनाव आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा और आपकी मानसिक शांति भी कहीं ना कहीं भंग हो चुकी है, अगर आपके जीवन में ऐसी परेशानी है तो करना क्या है आपको कि आपको शुक्रवार के दिन लाल कपड़े में थोड़ा सा गेहूं बांध लेना है। और वो गेहूं लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको माता लक्ष्मी के चरण में रख देना है। अगर आप ये करते हैं तो यह टोटका आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और इस टोटके से आपके जीवन में हमेशा पैसों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा और आपकी जो आमदनी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय है कि आपको शुक्रवार के दिन भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए। भगवान कुबेर जो हैं वो आपको अमीर बनाने में, आपकी आमदनी को बढ़ाने में आपकी सहायता बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर ही होते हैं। तो करना क्या है कि आपको कुबेर के यंत्र की स्थापना मलमल के लाल कपड़े से करनी है। अगर आप ये करते हैं, मलमल के लाल कपड़े में अगर आप कुबेर यंत्र की स्थापना करते हैं तो आप धनवान बनेंगे और आपके पास में पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। अगला पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, अगर आपके जीवन में हमेशा पैसों की परेशानी बनी रहती है तो आपको लाल कपड़े में साबुत हल्दी बांध कर घर के मंदिर में रख देना है और उसके बाद इस कपड़े को आपको घर के मेन गेट पर टांग देना है। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपके घर की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है कि आपको शुक्रवार के दिन 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध कर आपको अपने जेब में या तिजोरी में रख देना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो आमदनी है वो लगातार बढ़ते रहेगी और आपका पैसा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जाएगा। जो आखिरी उपाय है उसको सुनिएगा ध्यान से। आपको करना क्या है कि लगातार 11 शुक्रवार तक आपको माता लक्ष्मी पर में लाल कपड़ा में गुंजा का बीज रख कर चढ़ाना है। अगर आप ये करते हैं तो यह टोटका भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और इस टोटके से आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।